आशिकों सा बेसमझना कोई, जिन्हें देख देख नित जलना, लेके आग पर आए घर से, जिन्हें फूंक लेना घर अपना। ये इश्क ना डरता मौत से भी, ये इश्क ना डरता मौत से भी, चाहे सूली Ah!
पड़ता रहता है, शहीदे मोहब्बत बूटा सिंह। बात समझ नहीं आती, एक सिख की कब्र मुसलमानों के कब्रिस्तान में? हाँ जी, एक सिख की कब्र मुसलमानों के कब्रिस्तान में। जो इश्क पर कुर्बान होते हैं वो दीन ईमान से ऊपर उठ जाते हैं। आप तो बुझारते डाल रहे हो, मेरे तो बात पल्ले नहीं पड़ी। चाची, लगता है आप कहीं बाहर से आए हो, अगर लाहौर के होते तो ये सवाल कभी ना पूछते। आज बूटा सिंह जी का उर्स मनाया जा रहा है, देखते नहीं सारा लाहौर बूटा सिंह जी की कब्र के ऊपर फूल चढ़ाने आया है। देखिए, सच ही कह रहे हो, मुझे वाकई कुछ नहीं पता कौन था बूटा सिंह और ऐसा कौन सा कारनामा उसने अंजाम दिया कि मुसलमान जो सन 47 में सिखों के खून के प्यासे थे आज एक सिख पर वारी वारी जा रहे हैं। लाहौरियों की बात करते हो, ये वही लाहौरी है ना जिन्होंने सन 47 में सिखों को काटा था, उनके घरों को आग लगाई थी? उस नफरत की आग पे बूटा सिंह बतली बन के बरसा और दिलों की सारी मैल धो के ले गया। मैं भी तो जानू बूटा सिंह की कहानी, वो कोई बंदे की जात था या आसमानी मखलूक? था तो वो तेरे मेरे जैसा बंदा ही, लेकिन इश्क की आग पे वो ऐसा चला कि आसमानी फरिश्ते भी उसे सजदा तो करते ही होंगे। बात बहुत पुरानी है, आजादी से बहुत साल पहले जब अंग्रेज हम पर राज करते थे। बूटा सिंह जलंधर का रहने वाला एक फौजी था, लॉर्ड माउंटबेटन की कमान में जब वो बर्मा फ्रंट से लड़के अपने गांव वापस लौटा तो वो दुनिया में एकदम अकेला हो चुका था। उसके साथ के लड़के लड़कियां घर बार वाले बन चुके थे और जवानी उससे मुंह मोड़ रही थी, लेकिन उसके दिल में एक गृहस्थी बसाने की आस अभी भी बाकी थी। बूटा सिंह इतना सा था जब मैंने गांव छोड़ा, तू तो अब मेरे से भी ज्यादा बड़ा हो गया यार। कोई संगी साथी नहीं, अकेला खड़ा? मैं तो लाम पे गया था, तुझे क्या मुसीबत है? क्या कहा? बाल सफेद तो अब मेरे भी आने लगे। अच्छा यारा, चलता हूं, तेरी छांव में बैठ के फिर कभी बातचीत करेंगे। पायला गुता है जी। ताया जी क्या देख रहे हो, मैं कोई भूत नहीं, बूटा हूं। बूटा, रब का शुक्र है तू जिंदा वापस आ गया, लाम ने तुझे लौटा दिया। बापू के आखिरी दर्शन न हो सके। अरे मैं हूं ना, गम ना कर, चल अंदर चल, देखो भाई कौन आया है। चला आजा आजा। ओ माता, मुझे नहीं, गुरु ग्रंथ साहब महाराज को टेक करा। No.
बस और नहीं, मुझे पता है तू यहाँ से सीधा मंदिर जाएगा और वहां से मस्जिद। मजे की बात यह है कि तू जहां भी जाता है पूजा करने के लिए नहीं जाता। पता नहीं लोगों के मन में तेरे बारे क्या विचार है, पर तेरे जैसा बंदा गुरु नानक देव जी को बहुत ही प्यारा लगेगा। ले जा। बोटिया अब आगे क्या सोचा है? सोचने को क्या रह गया ताया, खेतों में हल चलाऊंगा। हाँ, बापूजी हर चिट्ठी में लिखते थे ब्याह कराने को, उनकी आखिरी इच्छा पूरी करूंगा। पुत्र, गबरू जवान कुंवारे फिर रहे हैं, उनके लिए तो लड़कियां हैं नहीं। अब तुझे इस उम्र में कौन अपनी बेटी देगा? मेरी मान जपजी साहब का पाठ किया कर, जी लगा रहेगा। जो रब को मंजूर ताया, देखूं घर का क्या हाल है, चलता हूं ताया। अच्छा ताई। अच्छा बेटे। अच्छा भाई। अच्छा इसने कुंवारा ही मर जाना है, इसकी जमीन पे हाल बेटा तुम्हें ही चलाना है। मुझे भी भूख लगी है। ये ले पुत्र, तू गरम गरम पराठा खा। ये ले पकड़। ओए बूटे, तेरा तो व्रत था ना? अरे रहने दो जी व्रत व्रत को, बच्चे को भूख लगी है उसे रोटी खाने दो। अरे इसे फौज में जाना है, एक वक्त नहीं खाएगा तो कमजोर नहीं हो जाएगा। देखो जी, जब तक मैं जिंदा हूँ इसने कोई व्रत व्रत नहीं रखना, मेरे बाद इससे कौन पूछेगा कि रोटी खाई कि नहीं खाई। तू कौन है? रमजानी, तू कौन है? बूटा सिंह। कहां से आया? लाम से। कहां जाएगा? कहीं नहीं। लो, जिन्हें आना है उन्हें जाना है, जिन्हें जाना है उन्हें आना है। पर मैंने तो ना आना है ना जाना है, यहीं रहना है। ये मेरा घर है। घर? हाँ। ये तेरा घर है? हाँ भाई, ये मेरा ही घर है। मेरा तो कोई घर ही नहीं है। फिर तू रहता कहाँ है? गांव में, सारा गांव मेरा ही है। फिर तो तुम गांव के मालिक हुए, तुम बादशाह, हम तुम्हारी रैयत। तू मेरी रैयत है? आओ अपनी रैयत का हाथ बटाओ। मैं क्या करूं? घर की सफाई में मेरी मदद करो। किस तरह? झाड़ू फेर कर। लो जी, अभी लो। ये लो, बाहर की सफाई तो कर दूंगा, अंदर की नहीं करूंगा, बता दिया मैंने। फेंक दे यार। Thank you.
बेचारा तू? बीबी थोड़ा पानी तो पिला दे। बूटा सिंह तू? संतो सरदारनी को साथ लाए कि वहीं छोड़कर आए? मैंने तो अभी तक शादी नहीं की। क्यों? मैंने सुना है बर्मा की लड़कियां मर्दों पे जादू कर देती है। मेरे पे किसी का जादू नहीं चला। अच्छा क्यों? इस गांव में एक लड़की थी जिससे कभी ब्याह करने के कॉल करार किए थे, मुया करके छोड़ जाता तो आज तक तेरी राह दिखती। जिंदा आदमी कब तक राह देखे? 10 साल 20 साल बुढ़िया, समय के बैल से लड़ना बहुत मुश्किल है। इससे कितना भी लड़ो ये आखिर बंदे को गिरा ही लेता है। हीर सस्सी सोनी वो ना इससे लड़ सकी। तो मैं किस गिनती में हूं? बुढ़िया आज तो 3 बच्चों का बाप होता। 3? हाँ मैं 3 बच्चों की माँ हूं, ये सबसे बड़ा है। इधर आ भाई शेरा। क्या नाम है तेरा? बूटा। चल बेबे घर को चले। चल। सब संजोग का खेल है संतो, किसी का घर उजड़ता है किसी का बसता है। अब रहेगा कि जाएगा? मैं तो सारा काम निपटा के आया हूं। घर में हो? आ जाओ शाहजी आ जाओ। ओ फौजिया ये काम अब तुझे शोभा नहीं देते, ये काम तो औरतों के हैं। पता है पर रब ने तो मेरा जोड़ा ही नहीं बना के भेजा। ना 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 रब को दोष ना दे, उसी ने तो वसीला बना के भेजा है मुझे तेरे पास। तो तुम्हारे पास कौन सी जादू की पटारी है? मैं अपने काम के सिलसिले में यूपी बिहार जाता रहता हूँ, वहाँ बड़ी गुर्बत है। वहाँ से तेरे वास्ते एक सोहनी सी जवान जहान लड़की का इंतजाम हो सकता है, पर थोड़ा खर्चा होगा। कितना? 2000 रुपए। 2000? मेरे पास तो 500 रुपए हैं। फिर क्या हुआ, ताए से मांग ले। वो तो आप बेचारे बाल बच्चेदार हैं, वो उनका बोझ ढोएंगे या मेरा? तो कोई और राह ढूंढ ले। थोड़ी सी जमीन है, खा पी के 500 साल के बच सकते हैं। मतलब के 3 एक साल। अच्छा जब पैसे हो जाए बता देना, अब मैं चलता हूं, ब्याह तो देर सवेर हो ही जाएगा। लायती राम के यकीन दिलाने से बूटा सिंह की टूटती आस फिर से जाग उठी कि उसका घर भी बच सकता है। उसने अपनी शादी के लिए एक एक पाई इकट्ठी करनी शुरू की। बेचारा दिन रात मेहनत करता और अपना पेट काटता, दिन हफ्तों में और हफ्ते सालों में बदलते चले गए।
समझे हिंदू मुस्लिम सीखना समझे एक दूजे को भाई। ये कैसी रुत आई है माँ, ये कैसी रुत आई, ये कैसी रुत आई है माँ, ये कैसी रुत आई। जंगल में रुक गई, हम सांस रोक के बैठ गए। थोड़ी देर में मुसलमान तलवारें हवा में लहराते हुए आ गए और अल्लाह का नारा लगाते हुए उन्होंने औरतों मर्दों और बच्चों को काटना शुरू कर दिया। मेरी आंखों के सामने मेरी माँ और मेरे बेटे को मार दिया, मेरी बेटी को ले गए, मैं लाशों में दबा रह गया। मुझे मरा समझकर वो मुझे जिंदा छोड़ गए अपने परिवार की लाशों को ढोने के लिए। गाड़ी जब जलंधर पहुंची तो लाशें ही लाशें थी। उन्होंने हमारे सिख और हिंदू भाई मार भगाए और मुसलमान आज भी यहां सीना तान के फिरते हैं। इनका क्या कसूर है? उनके गुनाहों का बदला इनसे क्यों लें? क्यों, ये मुसलमान नहीं? फिर क्या हुआ, ये यही रहते हैं? कोई अरब से तो नहीं आए? हमारे अपने बहन भाई, हमारा अपना खून, इनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। पर जो बलवाइयों ने दूसरे गांव से हमला कर दिया फिर क्या करेंगे? लूट मार दूर दूर तक फैली हुई है। मेरे ख्याल से इनको किसी हिफाजत वाली जगह पर पहुंचा दिया जाए, चार दिन में अमन शांति हो जाएगी, फिर वापस आ जाए। उतने दिन इनके घरों की जिम्मेदारी हमारी होगी। हाँ जी, यही ठीक रहेगा। ले भाई बूटा सिंह, तू संभाल ये काम, तू इस मामले में तजुर्बेकार आदमी है। नंबरदार जी, मैं वादा करता हूं इनको सही सलामत कैंप में छोड़कर आऊंगा। मेरी जान जाने के बाद ही कोई इनको छू सकेगा। बोले सोनिहार। पीरों की बख्शिश के सदा झूलते झंडे, जहां पांच दरिया का पानी प्यार मोहब्बत वंडे। उस पानी में कह दो चाचे, उस पानी में कह दो चाचे, मीठी जहर मिलाई। ये कैसी रुत आई है माँ, ये कैसी रुत आई, ये कैसी रुत आई है माँ, ये कैसी रुत आई, ये कैसी रुत आई है माँ, ये कैसी रुत आई, ये कैसी रुत आई है माँ, कायम रहे
अच्छों की अच्छाई। ये कैसी रुतवाई है माँ, ये कैसी रुतवाई, ये कैसी रुतवाई है माँ, ये कैसी रुतवाई है माँ, ये कैसी रुतवाई। अच्छा चाचा जी, अच्छा बूटा सिंह, रब राखा, ये ले रख चाबी है, अगर हम लौट के ना आए तो सब तेरा। कैसी बातें करते हो चाचा जी, आप आओगे जरूर आओगे, पानी पे तलवार मारने से पानी अलग नहीं हो जाता, हौसला रखो। अच्छा बूटा सिंह, अल्लाह तेरी उम्र दराज करे। चल भाई सोनिया। से तुम्हारा इस लड़की से क्या मुकाबला? ओए, हमारा शिकार हमारे हवाले कर दे। क्या करोगे? पहले पूजा पाठ करेंगे, फिर काट डालेंगे, धर्म कमाएंगे धर्म। लानत तक तुम्हारे धर्म कमाने के, ये मेरी पनाह में आई है, इसको बचाना मेरा धर्म है। ये लड़की मुसलमान है। अगर ये मुसलमान के घर में पैदा हुई तो इसका क्या कसूर है? तो उन लड़कियों का क्या कसूर था जो हिंदू और सिख परिवारों में पैदा हुई थी? हम भी इसका वही हाल करेंगे जो सारे मुसलमानों ने हमारी बहू बेटियों के साथ किया, बदला लेंगे। यही सीखा गुरु ग्रंथ साहब से? ओए, हमें ज्यादा शिक्षा ना दे फौजी, आजकल लोगों ने गीता कुरान और गुरु ग्रंथ साहब ताक पर रख दिए हैं, तो साफ साफ बता, तेरा इस फूल झड़ी पर दिल तो नहीं आ गया कहीं? मजाक करते शर्म नहीं आती? शर्म कैसी फौजिया, तू भी छड़ा हम भी छड़े, जो तुझे रखना है तो तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत? बूटा सिंह, इतनी जान मारी है तो 2500 का हक तो बनता ही है। जो मैं ना दूं तो फिर अपनी आंखों के सामने इसकी इज्जत की नीलामी होती है, आप देख ले। खबरदार जो आगे बढ़ा। फौजिया तू भी जान से जाएगा और ये भी, हमारे साथ दुश्मनी ना कमा। ओए मान जा फौजिया। बूटा सिंह, ये लोग तो पागल हो चुके हैं, अपनी जान देकर भी तो शायद इस लड़की को बचा ना सके, बेहतरी इसी में है इनको पैसे देकर इंसानियत को जिंदा रखा जाए। क्या सोचता है फौजिया? कितने पैसे चाहिए? ओए कहा तो है 2500। मेरे पास सिर्फ 1800 है। ओए लड़की जवान है, सोनी है और सोने की डली है, पर यारों का जिगर बहुत बड़ा है, जो एक बार हाथों से निकल गई ना, मुंह देखते रह जाओगे। मंजूर किया, हमारा क्या है, हम कहीं और मुंह मार लेंगे। पैसे तो पूरे ही होंगे फौजिया, चल फिर मजा कर, आज से लड़की तेरी हुई, चलो ए, हम भी ऐश करें। रोटी बनाकर रखी है, खा लेना, बाहर से ताला लगा कर जाऊंगा ताकि कोई अंदर ना जाए। मैं जा रहा हूं, कोई सवाल? वो आगे
और मैं पीछे। मैं कहूं पुत्रा, 200 गज की दौड़ में तो तुझे नहीं छोड़ूंगा। उसका सांस फूल गया, मैंने हवा में तलवार लहराई, उसका सिर मेरे पैरों में। ओए, मैं 99 दफा धर्म कमा बैठा हूं, एक और हाथ लग जाए तो समझूंगा तीरत हो गया। ओए, उस दिन जो गाड़ी लाहौर जा रही थी ना, हमने उस पर हमला कर दिया। उसमें एक साधु जी महाराज रह गए। वहां उतरते हुए हमें शरारत सूझी। हमने कहा, साधु जी महाराज, क्यों पाकिस्तान तो नहीं जा रहे? वो कहने लगा, अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह, हमारा पाकिस्तान में क्या काम? वो हमने झट से उसका अल्लाह अल्लाह कर दिया। ठेकेदार, एक बोतल देना। ओए वाजी, तुझे यहां आने की क्या जरूरत पड़ गई? स्वर्णा कह रहा था वो तेरे घर हुस्न पर ही छोड़ कर आया। क्या बकवास कर रहा है? वही मुसलमान लड़की जिसकी आंखें प्यार की कटारिया है, जिसकी हर अदा में मस्ती भरी हुई है। पीते जाओ पीते जाओ, कभी ना खत्म होने वाली मस्ती है। ओ शाजी, अपनी ठेके पे नहीं, जो करना बाहर जाके करो। से बात दूंगा तुझे, बाहर जाके ले छोड़ दे मुझे। उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, तेरी रैन कहाँ जो सोवत है, तेरी रैन कहाँ जो सोवत है। माफ करना रमजानी यार, रात तेरी इजाजत बिना तेरी सल्तनत में आ गया। रात को तूने अच्छा नहीं किया। मैंने मैंने क्या किया? दारू पी के मारपीट की है, वो भी मेरे राज में। माफ कर दो बादशाह, गलती हो गई, कर भी दो साहिब आलम, आगे से नहीं होगी। जा, माफ किया, ले दातुन पकड़, नीम का है। अच्छा, चलता हूं। कौन? बूटा सिंह। बूटा सिंह कौन? घर का मालिक। घर के मालिक ने रात कहां काटी? काट ली जहां काटनी थी। सतनाम श्री वाहिगुरु सच्चा पातशाह। बाहर वाले अंदर सोते हैं और अंदर वाले बाहर, ये इस गांव का दस्तूर है? तूने कौन सा इस गांव में रहना जो दस्तूर पूछ रही है? हाय अल्लाह, ये क्या कर रहे हो? मैंने सोचा किसी को भूख लगी होगी। भाई मुझे तो लगी है, मैं तो रोटियां बनाने लगा। चूल्हा चक्की मर्दात के काम नहीं होते। अच्छा,
पहले किसी ने बताया नहीं? इस घर में औरत जात होती तो ही बताती। तू औरत जात थोड़ा ही है, तू इस घर की मेहमान है। मेहमान हूं तो क्या हुआ, रहूंगी तो औरत जात। मेहमान होते हैं दो दिन घर में रहते हैं, फिर तारों की छांव में दूर चले जाते हैं, फिर वही बूटा सिंह, वही चूल्हा चक्की। चलो हटो, भला हमेशा भी कोई धरती पे मेहमान रहता है? मैं भी मेहमान, तुम भी मेहमान, वक्त वक्त की बात है। भाई बहुत स्वाद खाना बनाती हो। माँ कहती है जो काम करने में स्वाद आए वो अच्छा होता है। अपना अता पता तो बता। नाम ज़ैनब, रहने वाली राजस्थान की। जो लाखों पर बीती वही मुझ पर भी बीती। अब आगे क्या होना है उसका फैसला तुम्हें करना है। मैंने नहीं, दाता ने करना है। माहौल ठीक हो जाए तुझे तेरे माँ बाप के पास छोड़ाऊंगा, तब तक तो उनकी अमानत है मेरे पास। सरदार जी, जब तक मैं इस घर में हूँ तुमने घर के काम को हाथ नहीं लगाना। अच्छा तेरी मर्जी, मैं चलता हूँ खेतों को। मैं रोटी लेके आऊंगी। अरे बूटा सिंह आया। शाह जी सत्रीकाल। शाह जी सत्रीकाल। बूटा सिंह बैठ जा। कल मैं अब जा रहा हूँ यूपी, वहां से तेरे वास्ते लाऊंगा लड़की, फिर हम तेरा ब्याह रचा देंगे। लगता है शाहजी ऊपर वाले ने अपने हाथ में ब्याह की लकीर ही नहीं खींची। क्या मतलब, तू तो पिछले 3 सालों से ब्याह के लिए पैसे जोड़ रहा है। सच कह रहे हो, जोड़ रहा था। बस हो गया फिर? बूटा सिंह धर्म कसम मैं इसमें दलाली का एक पैसा भी नहीं कमा रहा, वो सारे पैसे तो लड़की के गरीब माँ बाप को जाएंगे। शाहजी पैसे तो हाथ से निकल गए। निकल गए कैसे, जुआ खेला था? तुमको पता मैं जुआ नहीं खेलता। कल परसों की बात है, कुछ गुंडे एक मुसलमान लड़की के पीछे पड़ गए थे, वो उसे मारना चाहते थे, उसे बचाने की कीमत चुकाई है। तो बूटिया तूने सारी जिंदगी भर की कमाई एक मुसलमान लड़की की जान बचाने में लगा दी? अरे पगले क्या लगती थी वो तेरी, अब तू उस लड़की का करेगा क्या? थोड़ा ठीक ठाक हो जाए पाकिस्तान छोड़ाऊंगा। खोतिया तू अब छड़े का छड़ा ही मर जाएगा और तेरी लाश को आग देने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। तुझे अब एक मत दूं, उस लड़की को अपने घर में रख ले। शाहजी नमक तेल का सौदा करते करते आदमजात को भी जिन समझ बैठे हो। बूटा सिंह ने इंसानियत का व्यापार ना कभी पहले किया था ना कभी करने की सोचेगा। जा मर फिर, जो बीमार पड़ गया तो दवा दारू करने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। शरीकों ने तेरा हाल नहीं पूछना। कोई बात नहीं, रब रखा रब रखा। कहां जा रहे हो? बाहर सोने जा रहा हूं। घर किसका है? मेरा। मैं कौन हूं? बाहर से आई, तुम्हारी पनाह में आई हूं, घर की मालिक नहीं हो गई। आज से तुम खाट पर सोओगे और मैं नीचे। तुम्हें मेरे से डर नहीं लगता? नहीं लगता, लगना चाहिए। नहीं वो बात नहीं ज़ैनब, गांव के लोग बातें करेंगे। करेंगे का क्या मतलब, उन्होंने तो बातें करनी शुरू भी कर दी होंगी। वो कुछ भी बोले मुझे उसकी परवाह नहीं। लेकिन ज़ैनब तू बस फैसला हो चुका है। शाहजी सस्रीकाल। सस्रीकाल सस्रीकाल। और सुनाओ बूटा सिंह कैसे आए हो? बस शाहजी कुछ कपड़े लेने थे। कपड़े? ओ बूटा सिंह, वो तेरे मतलब के कपड़े इस दुकान में नहीं रखे, यहाँ तो सिर्फ जनाना कपड़े मिलते हैं। हाँ दरअसल जी मैं भी जनाना ही लेने आया था। सच? ओ बूटा सिंह शर्म कर शर्म। खैर सानू की ओए माप क्या है? माप? माप का तो नहीं जी पता मुझे। तो जा फिर उसका माप लेके आ, या फिर उसे पूछ के आ।
अच्छा ऐसा कर, उसे साथ लेके आ। साथ लेके? ये तो नहीं हो सकता जी। अच्छा उम्र कितनी है? उम्र 16-17 होगी। 16-17? ओ बूटा सिंह शर्म कर शर्म। खैर सानू की। अच्छा लंबी कितनी है, मोटी है या पतली है? इसके जैसी होगी। इसके जैसी? ओए बूटिया तेरी कहीं मत तो नहीं मारी गई? खैर सानू की, हमें तो सामान बेचना है, ये ले। ये क्या है? कुछ नहीं, कुछ कपड़े तेरे वास्ते। मेरे वास्ते? तुम्हें मेरा माप कहाँ से मिला? तुझे देखता जो रहता हूँ। सच्ची? सरदार जी तुम्हारी आंखें हैं कि माप की फीतियाँ, जो औरतों के शरीर मापती रहती हैं। किसी औरत ने लपड़ नहीं जड़ा। तूने तो दुनिया जहान की औरतों का जिक्र छेड़ दिया, मैंने तो सिर्फ तेरी बात की थी। अच्छा जो माप ठीक ना हुआ तो बजाज बदल देगा ना? कहता तो था। मैं अभी पहन के दिखाती हूँ, जरा रुको। सरदार जी तुम्हारी आंखें तो कमाल है, एकदम सही माप लिया है मेरा, देखो तो कैसी। अजीब मर्द है, देख तो लेता कैसी लगती हूँ। तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। कौन है तू? रमजानी। रमजानी? रमजानी कौन? ये गांव मेरा है और मैं गांव का हूँ, तू कौन है? मैं ज़ैनब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तू बहुत सोनी है और मुझे भूख लगी है। आ मैं तुझे रोटी खिला दूँ, आजा। मैंने कहा चाचा जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आओ कुछ चाय पानी हो जाए। नहीं अब जल्दी है, फिर कभी सही। चाचा जी सुनो तो सही, बूटा सिंह के घर में 16-17 साल की मुटियार कौन है? 16-17 साल की मुटियार बूटा सिंह के घर में? तुझे किसने बताया? वो मुझसे 6 जोड़े कपड़े लेके गया है उसके वास्ते। पैसे नकद देगी क्या? ओ नहीं, फसल कटने पे देगा। ओ खैर हमें चिंता काहे की, भाई 3 किले जमीन का मालिक है, मेरे पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं। खैर सानू की, वो जोड़े 17 साल की मुटियार के लिए लेवे या 35 साल की औरत के लिए, भाई हमें तो सामान बेचना है। चाय। बूटिया भाई इस लड़की ने तो तेरा और तेरे घर का नक्शा ही बदल दिया, पर ख्याल रखना इन कमजातों का कोई भरोसा नहीं होता। ताया जी मेरे जैसे मलंग के पास क्या पड़ा है जो ये ले जाएगी। बूटिया तेरी बहन का ब्याह आ रहा है। बहन भी काहे की, तेरी तो बेटी जैसी है। लड़का खाता कमाता है ना? सरकारी नौकरी है, ऊपर से भी काफी आमदनी हो जाती है। फिर तो राजरानी राज करेगी। बूटिया तेरी माँ ने अपनी बहू के लिए हार बनवाया था, वो छज्जू सुनार कह रहा था। जी सतवचन। तेरे ब्याह की आस तुझे अभी भी है कि टूट गई? ताया जी बस अब तो मातम ही होगा। पागला शुभ शुभ बोल, मैं हूं ना। अच्छा वो हार है तेरे पास? हां जी, मां की निशानी को कलेजे से लगा के रखा है। मैं कह रहा था जो तू वो हार राजरानी के ब्याह में। हां जी इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है ताया जी, मैं अभी लेके आ। ताया जी मिल नहीं रहा,
लगता कहीं रख कर भूल गया। सच कह रहा है, जो देने का इरादा नहीं तो भी बता दे। क्या बात करते हो ताया जी, झूठ थोड़ा ही बोलूंगा मैं आपसे। चल कोई जल्दी नहीं, जो मिल जाए तो ले आना। हाँ मैं चलता हूं। क्या बात है, रोटी ठीक नहीं बनी? नहीं ये बात नहीं जैनब, मेरी भूख ही मर गई। मैं भी तो जानू क्यों। वो हार मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, लगता था माँ कहीं आसपास है, अब लगता है हमेशा के लिए मुझसे दूर हो गई हो, रूठ गई है वो। जो निशानी से इतना ही प्यार है तो निशानी को संभाल के रखो। ये तेरे पास था? जो मैं छुपा ना लेती तो तुमने तो माँ की निशानी दे दी होती। ताया जी और राजरानी पराए नहीं, मेरा अपना ही हाड़ मास है। तुम्हारे अपने हाड़ मास ने कभी तुम्हें पानी का ग्लास तो पूछा नहीं। मेरे आने से पहले चूल्हा तो तुम आप जलाते थे। जैनब तू क्या कह रही है? वो तो इंतजार में है कि तुम लावल से धारो और तुम्हारी जमीन हड़प ले। इस बारे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इस घर में पहले कोई औरत होती तभी तुम्हें ये बातें सुचवाती। तुम्हारे शरीकों का बस चले तो तुम्हें कच्चा चबा जाए और डकार भी ना ले। रोटी खा लो। जैनब तू भी तो आज है, कल चली जाएगी, फिर ये बातें मुझे कौन समझाएगा? सरदार जी कल नाम है काल का, आएगा तो देखेंगे। इस गांव का दाना पानी लिखा था जैनब के भाग्य में, जो बूटा सिंह ने उसको बचा लिया। इस उम्र में बूटे की मत मारी गई है, मुझे तो लगता है उसको घर रखने की सोचे बैठा है। क्या क्या कह रहे हैं आप? मैं उसकी आंखों को पहचानता हूँ, मेरी बेटी का ब्याह होने वाला है। अगर उसके ससुराल में पता लग गया कि उसके चाचे के बेटे ने मुसलमान लड़की घर रखी हुई है तो वो तो रिश्ता तोड़ देंगे। आप फिक्र न करें, मैं आज रात ही पंचायत इकट्ठी करता हूं। बूटा सिंह, जिस वक्त पूरा पंजाब फसादों की लपेट में आया हुआ था, हमारे गांव में अमन अमान रहा। तू मुसलमान औरतों की इज्जत और मर्दों की जान का राखा बना रहा, पर अब सुनने में आ रहा है कि तू एक मुसलमान लड़की को खरीद के ले आया है जो इस वक्त तेरे घर बैठी है। लोगों को बता सच क्या है। सच तो यह है कि मैंने लड़की खरीदी नहीं, बल्कि उसको बचाने की कीमत चुकाई है। हालात ठीक हो जाएं, लड़की को उसके माँ बाप के पास छोड़ाऊंगा। जब तू सारी मुसलमान आबादी को हिफाजत के साथ पहुंचा सकता है तो एक लड़की को ले जाने में क्या मुश्किल है? अगर तुझे कोई मदद चाहिए तो हमें बता। घर पंचायत का हुक्म है कि मैं जैनब को कैंप छोड़ के आऊं, तो ये हुक्म मुझे मंजूर है। जैनब भाई और कितनी देर लगेगी तैयार होने में? बस आई। सत श्री अकाल, मैं भी जाऊंगा, मैंने कभी शहर नहीं देखा। आ जा बैठ जा तू भी। आ गई। जैनब तूने पूछा नहीं हम शहर क्यों जा रहे हैं। सरदार जी मुझे तुम पे भरोसा है, तुम कहोगे ना कुएं में छलांग मार दे, मैं आंख मूंद के छलांग मार दूंगी। हार्ड मास के मनुष्य पर इतना भरोसा करना अच्छा नहीं होता जैनब। चलो मंजिल आ गई। ये कहाँ ले आयो? यहाँ पाकिस्तान जाने वाले मुहाजिर रखे गए। फिर? उनमें एक असलम भी है, बड़ा शरीफ लड़का है, तेरी उम्र का भी है, मैं उससे बात कर गया था, वो तेरे साथ ब्याह करके तुझे पाकिस्तान ले जाएगा, तेरे माँ बाप से भी मिला देगा। मेरी तरफ से यहां रख ले, तेरे ब्याह का तोहफा। तोहफा? रखो अपना तोहफा अपने शरीकों के लिए।
तुम होते कौन हो किसी अजनबी से मेरा ब्याह कराने वाले? दो वक्त की रोटी देने के बदले तुमने मेरी जिंदगी का फैसला कर दिया। तुम्हें यह हक दिया किसने? ज़ैनब, मुझे तेरा भला सोचने का भी हक नहीं। तुमने मेरी हिफाजत की, मेरे राखे बने, और आज मेरा राखा मुझे किसी और के हवाले कर चला। क्यों? क्योंकि मैं मुसलमान हूं। सरदार बूटा सिंह, जा सड़ अपने नरक में, और मेरे पे जो बीतेगी मैं सह लूंगी। ओफ, रमदानी यार, तू बता मैं क्या करूं? जा अपने नरक में, उसे भी साथ ले जा। बूटा सिंह, हम तेरी मजबूरी समझते हैं, पर तू भी तो हमारी मजबूरी समझना। हम सब बहु बेटियों वाले हैं। ज़ैनब तेरे घर में ब्याह किए बिना नहीं रह सकती। अब तू बता, तू उसके साथ ब्याह करने को तैयार है ना? मेरे तैयार ना तैयार होने का सवाल ही कहां पैदा होता है। सवाल तो यह पैदा होता है कि ज़ैनब मेरे जैसे आदमी के साथ ब्याह क्यों करेगी। तू उससे पूछ ले। ना जी, ये काम मैं नहीं कर सकता। चलो कोई बात नहीं, हम उसकी मर्जी जान लेंगे, पर जो एक बार उसने हाँ कर दी फिर तुझे ब्याह करना ही पड़ेगा। ज़ैनब, हाँ या ना में जवाब दे, तुझे बूटा से ब्याह करना मंजूर है? हाँ मंजूर है। मुंह मीठा करवाऊं? चलो चलो, शादी हो गई, अब तो मिठाई मिलेगी। चलो, मुझे भूख लगी है। बापू, तू तो कहता था बूटा सिंह छड़ा मरेगा, उसकी जमीन में हम हल चलाएंगे, और उसका तो ब्याह हो गया है। पुत्र ब्याह ही हुआ है, औलाद तो नहीं हो गई। औलाद होने में कौन सी देर लगती है? करनी और होनी में बहुत फर्क होता है पुत्र, सबर कर रोटी का। अरे, कल तक लगती थी डरी हुई हिरनी, पर आज सुहाग का जोड़ा पहनकर इसका हुस्न ठाठे मार रहा है। चलो ना चलो कुड़ियों, दिल ही दिल में हमें गालियां दे रही होगी। ओ बूटिया, बिल्ली तो पहले दिन मारी जाती है, नहीं तो औरतें सर पे चढ़ जाती हैं। बूटिया, उम्र गुजर गई, रब से तेरी दुआ मांगते हुए जो आज रब ने तेरी मुराद पूरी की है, तू तो क्यों उसे इंतजार करवा रहा है? वे शराबियों, चलो अपने घर, क्यों पहले दिन इसका घर उजाड़ने आ गए? जाते हैं कुलदीप, आवे रमजानी, चल तुझे खाना खिलाओ, चलो चल वे बूटिया, चल। तमाशा तो अब शुरू होगा। जाओ नी लड़कियों, जाओ अपने घरों को। तू किधर को? अंदर खाना। हाय अल्लाह, सरदार जी संभल के। तूने संभाल लिया, हम संभल गए। अब बता, तू है कौन? मैं कौन? मैं तुम्हारी बेगम। हर रात दारू पीकर एक ही सपना। मैं पूछता हूं तू कौन, वो कहती मैं तुम्हारी बेगम। दिन में नशा उतरता है, बेगम गायब। बूटा अकेला रह जाता अपने जख्म चाटने के लिए। मैं ज़ैनब हूँ, दारू की बोतल नहीं जिसका नशा उतर जाए। ज़ैनब, तूने भी तो सपने देखे होंगे। जिसे जागते हुए सब कुछ मिल जाए वो सपने क्यों देखेगा? फकीर की झोली में हीरा गिर पड़ा, डरता हूँ कोई छीन ना ले। हमारा मेल रब ने कराया, और अब से बढ़कर भी कोई हुआ है। मुल्क का बंटवारा, काफिले पे हमला, मेरा भागना, तुम्हारा बचाना, इस घर में लाना, ये सब मेरे लेखों का संजोग नहीं तो और क्या है? ज़ैनब, मुझे तो और सास से बात करने का भी ढंग नहीं। अच्छा, मैं सिखाती हूं तुम्हें औरत जात से बात किस तरह करते हैं। ओ
के कोटाली मेरी चुन्नी का ओ मेरी चुन्नी का चमके कोटाली मैं कैसे छुपाऊं खुशियों को मेरा नचता है कोटा कोटाली मेरा नचता है कोटा कोटाली मैं कैसे छुपाऊं खुशियों को अड़ियो बादशाह मैदाने जंग में तूने बरसती हुई गोलियों से मुझे बचाया जैनब जैसी नेक औरत बख्शी प्यारी बेटी से नवाजा मेरी सारी मुरादें पूरी करने वाले वाहिगुरु अकाल पुरख मेरी झोली में इतनी खुशियां मेरा रोम रोम तेरी रहमत का कर्जाई है दाता मेरे परिवार पे मेहर भरा हाथ रखना दाता मेहर भरा हाथ रखना मेहर भरा हाथ रखना
जय। हम घर से बेघर हो गए और ये मलेच्छ अब भी हमारा मंदिर नापाक करता फिर रहा है। ओए रमजानी, हमारे साथ चल, तुझे खीर खिलाएंगे। खीर और लड्डू पेड़े भी। हाँ चल तो सही। चलो। मारे हुओं को मारना क्या जो रब के हो मारे, जो रब के हो मारे, जो रब के हो मारे। एक रोटी के लिए सौ सौ खैरा मांगे यार प्यारे, मांगे यार प्यारे, मांगे यार प्यारे। जो सारे धर्मों को माने, जो सारे धर्मों को माने उसको कहे सौदाई। किधर लड्डू पेड़े? ओ ठहर जा, इतनी जल्दी क्या है, खिलाता हूँ तुझे लड्डू पेड़े। काट दो इसकी गर्दन। इस मासूम की जान लेती हो, शर्म नहीं आती? बड़े सुरमा बने फिरते हो। और ये साला मुसलमान है। मुसलमान ना, ये हिंदू है ना मुसलमान ना सिख, ये सारे गाँव का साझा है, इस गाँव की आत्मा है, इसका खून सारे गांव का खून है। चल रमजानी। नहीं, ये मुझे लड्डू पेड़े खिलाएंगे, मैं नहीं जाता। मैंने भी ऐसा बनाया और गाजर का हलवा भी। गाजर का हलवा? हाँ चलो, वो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पेड़ा कर खोजे जालमो मार दिया गरीब को। रमजानी, रमजानी गाजर का हलवा। कलमाए पाक, अशहदु ला इला इल्लल्लाह मुहम्मदु रसूलल्लाह। क्यों मार दिया मेरा यार रमजानी? ओए रब्बा, ज़ैनब मेरा यार रमजानी चला गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हुए एक नए मुआहदे की रूह से तय पाया है कि तकसीम के वक्त जो हिंदू सिख लड़कियां पाकिस्तान में और मुसलमान लड़कियां हिंदुस्तान में रह गई हैं, उन्हें बरामद करके उनके माँ बाप के पास भेजा जाए। अगर आपके गांव या शहर में कोई ऐसी लड़की है तो उसकी इत्तला अपने करीब के थाने में दें। अब सुनिए शमशाद बेगम की आवाज में एक नगमा। इतनी जल्दी जाने की क्या पड़ी है, सुबह तक रुक जाते। कल नाम काल का, जब तक ज़ैनब इस गाँव में रहेगी मेरे कलेजे में आग जलती रहेगी। आज लड़की पैदा हुई है, कल को लड़का पैदा हो गया तो बूटे खेतों का वारिस पैदा हो जाएगा। मैं चलता हूँ और नेक काम में देर काहे की।
जा रानी बड़ी प्यारी जीवे तेरी नानी। रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। अच्छा तेरे लिए क्या लेके आऊं? गाड़ी तो लाई रहे हो? ओ, गाड़ी तो हम सबकी है, तू बता तेरे लिए क्या लाऊं? सरदार जी मेरी मानो ना तो अपने लिए नया कंबल ले आओ, फटा पड़ा है। और गांव की औरतें ना ताने मारती हैं कि आप तो सजी रहती है और घर वाला फटे कंबल में ठुर ठुर करता है। अच्छा अच्छा मुझे पता तेरे लिए क्या लेके आना है। बूटा सिंह तुझे अब पैसे किस लिए चाहिए? शाह जी नई गाड़ी खरीदनी है, जब भी शहर आता जाता हूं देर हो जाती है, घर में जैनब और गुड्डी अकेली होती हैं, मेरा फिक्र करती हैं। तू अब बहुत खर्चीला हो गया है बूटा सिंह, चार पैसे बुरे वक्त के लिए जोड़ के रख लेने चाहिए। बुरे वक्त का कोटा तो शाह जी खत्म हो गया, अब तो रब ने खुशियां खुशियां दी है। अच्छा शाह जी। अच्छा तेरा ही नाम जैनब है? हाँ जी। हमें हुक्म है कि तुम्हें बरामद करके पाकिस्तान भेजा जाए। पाकिस्तान? मेरा तो ब्याह हो चुका है जी, मेरा सब कुछ अब यही है, मैं पाकिस्तान जाके क्या करूंगी? हमें हुक्म है सारी मुसलमान औरतों को बरामद करने का, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मेरा नाखा इस वक्त घर नहीं, उसे तो आने दो। ऑर्डर इज ऑर्डर, चल।
खुशियों के रेले की, मेरे हाथ कोर रहे खुशियों के रेले की, कभी ना आखिर हो ये प्यार वाले मेले की, जिंदगी बहारों के फुलारे सदा लेती रहे, दिलों में उमंग यारा बार बार कहती रहे, नी तू रोशनी अंधेर ना करी, नी तू रोशनी अंधेर ना करी, साड़ी जिंदड़ी उठी के सानू गड़िये नी गड़िये नी। साल का मेरे लिए लंबा रास्ता हुआ है वसाल का, एक एक पल मुझे लागे सौ सौ साल का, पगली तू जाते जाते क्यों रुक गई है, छोड़ के तू सीधा राह टेढ़ रह गई है, नी तू एह कम फेर ना करी, नी तू एह कम फेर ना करी, साड़ी जिंदड़ी उड़ी के सानू गड़िये नी गड़िये नी गड़िये नी, फेर ना करी साड़ी जिंदड़ी उड़ी के सानू। जैनब जैनब देख अपनी नई गाड़ी आ गई, ये देख तेरे लिए। मेरी जैनब कहाँ है, क्या हुआ मेरी जैनब को, ताई बोलती क्यों नहीं, भाई जी पंडित जी उठिया, उसे तो पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस? हाँ। क्या जुर्म किया था उसने, क्या चोरी की थी? वो मुसलमान है, उसे पाकिस्तान भेजा जाएगा, तूने उसे गैर कानूनी तौर पर रखा हुआ था। गैर कानूनी? उसने अपनी मर्जी से मेरे साथ ब्याह किया था, सारा गांव इस बात का गवाह है। हाँ हाँ, हम सब इस बात के गवाह हैं। भाई जी आपने अपने हाथों से तो ब्याह करवाया था, जैनब मेरी बच्ची की माँ है, और कोई भी कानून दूध पीती बच्ची को माँ से जुदा नहीं कर सकता। ना रो मेरी बच्ची, मैं तेरी माँ को वापस लेके आऊंगा, चल। क्या नाम बताया तूने? जी जैनब नकोदर से। हाँ, उसे यहाँ लाया गया था। क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ, मिल सकता हूँ? नहीं, और बरामद शुदा औरतों के साथ उसे दिल्ली भेज दिया गया है, पुराने किले के कैंप में। Thank you.
जैनब तो ठीक तो है ना? सरदार जी, मेरा हाल तो वही है जो मछली का पानी बिना होता है। जब तक हमारे घर वालों का पता नहीं लग जाता, हमें इसी कैंप पर रखेंगे। पर मैंने नहीं जाना सरदार जी, मैं अपनी बेटी बिना और तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। कोई तदबीर करो, मुझे बचा लो सरदार जी। ना जैनब, रो मत, हौसला रख। अब तो हमारा अपना राज है, अपनी सरकार। मैं वजीर के दरवाजे पे जाके फरियाद करूंगा, वो हमारा दुख जरूर सुनेंगे। मुझे यकीन है जैनब, रब की कृपा से मैं कल खुशखबरी लेके आऊंगा। वो देखो रानी साहब, रानी साहबा, वजीर आला, मेरी फरियाद तो सुन लो। अरे बाहर निकलो, मेरी जैनब, मेरी बच्ची की माँ बाप इसे लौटा दो। यहाँ किसी को मिलने का हुक्म नहीं है। मेरी बात तो सुनो, जाके करो। समझ सके ना, समझ सके ना, समझ सके ना लोग सिराने इश्क का रुतबा, इश्क ही जाने इश्क का रुतबा, इश्क ही जाने। समझ सके ना लोग सिराने इश्क का रुतबा, इश्क ही जाने इश्क का रुतबा, इश्क ही जाने। इस दुनिया का खेल रचाया इश्क की खातिर आप खुदा ने, इश्क का रुतबा इश्क ही जाने, इश्क का रुतबा इश्क ही जाने। पुराना इश्क का दुश्मन जमाना इश्क का, जिसको लगा मजनू बना उल्टा निशाना इश्क का, नींदे चुरा रे इश्क इश्क, रातें जगा रे इश्क इश्क, जी को जला रे इश्क इश्क, पागल बना रे इश्क इश्क। जितने भी नायक शिकवा कभी ना करे, चुप ही रहे दीवाने, इश्क का रुतबा इश्क ही जाने, इश्क का रुतबा इश्क ही जाने। इस दुनिया का खेल रचाया इश्क की खातिर आप खुदा ने, इश्क का रुतबा इश्क ही जाने, इश्क का रुतबा इश्क ही जाने। समझ सके ना, समझ सके ना, समझ सके ना लोग सिराने इश्क का रुतबा, इश्क ही जाने इश्क का रुतबा, इश्क ही जाने। इस दुनिया का खेल रचाया इश्क की खातिर आप खुदा ने, इश्क का रुतबा इश्क ही जाने, इश्क का रुतबा इश्क ही जाने, इश्क का रुतबा इश्क ही जाने। गुड्डी तुम्हें देखती है, बहुत रोती है, लगता सो गई। सरदार जी, महीना खत्म होने को आया और तुम्हारी कोशिशें कामयाब नहीं हुई। मेरी तो आस टूटती नजर आ रही। सैनब, मैं तो हाकिमों के दर पे भी गया, रब के दर पे भी, किसी ने मेरी फरियाद नहीं सुनी, न रब माना न रब के बंदे। मेरी बात गौर से सुनो, इन्होंने पता लगा लिया है, मेरे माँ बाप लाहौर के पास बरकी गांव में बसे हैं, कल ये मुझे वहां छोड़ाएंगे। तुम वादा करो तुम मुझे लेने वहां जरूर आओगे। मैं तो तेरे बिना एक पल भी नहीं जी सकता जैनब, गांव भी तेरे बिना शमशान लगेगा, मैं जरूर आऊंगा। गुड्डी का ख्याल रखना,
पर तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम तो आप बच्चे हो। जा गुड्डी, तुझे रब के हवाले किया। सीता बहन, तू अब चली अपने माता पिता के पास हिंदुस्तान में। वहां जाके भूल न जाना तेरा एक भाई पाकिस्तान में भी है। कभी कभार दो लाइनें अपनी खैरियत की लिखती रहे। भाई मोहम्मद, तूने अपनी जान पे खेल के मेरी रक्षा की। सारे गांव से दुश्मनी मोल ली, पर मुझ पर आज नहीं आने दी। तुझे बुलाना और अपने रब को बुलाना एक समान है। ये रख ले, खुश रहो। आओ। कौन? दरवाजा खोलो, तुम्हारी बेटी आई है। क्या कहा? बेटी? मेरी बेटी? पर वो तो मर चुकी है। वो जिंदा है और मेरे साथ खड़ी है। फसादों में वो हमारी नजरों के सामने मारी गई थी। अब्बू, मैं ज़ैनब हूँ। तुम मेरी आवाज तो पहचानते हो। बकवास, कौन है तू और इस तमाशे का क्या मतलब है? तुम्हें क्या हो गया अब्बा? तुम्हें तो मेरी आवाज सुने बिना नींद नहीं आती थी। जा जा, दफा हो जा यहाँ से। नहीं नहीं ज़ैनब भैया, दरवाजा खोल दो। हम बिरादरी वालों को क्या जवाब देंगे? इतने साल काफिरों में रहकर आई है, ये नापाक हो चुकी है, नापाक। नहीं, नहीं। समझती क्यों नहीं? नहीं, अम्मी मैं तेरी जाई ज़ैनब। आज मेरे आंसुओं का तेरे पे कोई असर नहीं। नहीं, बस एक नजर देख लेने दे अम्मी। मैं चली जाऊंगी वापस जहाँ से आई हूँ। सच्ची, मैं यहाँ रहने नहीं आई। अम्मी कुंडा खोल दे। मेरी बच्ची, वो मेरी बच्ची तो कहाँ चली गई थी? एक बार फिर सोच ले बूटिया, जमीन मकान नहीं बेचते, धरती माँ होती है। मेरी माँ मर चुकी। खाएगा क्या और जाएगा कहाँ? इस गांव से मेरा दाना पानी खत्म हो चुका है नंबरदार जी। मैं अपनी ज़ैनब के पास जाऊंगा। अच्छा बूटिया, जैसी तेरी मर्जी, ये ले। पावा में रूबा।
जुदाई तेरा भी रब्बा यार बिछड़े फिरे लपता तू अपनी खुदाई फिरे लपता तू अपनी खुदाई तेरा भी रब्बा यार बिछड़े बरकी गांव को कौन सा रास्ता जाएगा? नाक की सीध पर चलता जा, अगले चौराहे पर दाएं मुड़ जाना। ले ले ले। एक गिलास दूध का देना भाई। हाँ जी अच्छा। ये लो जी। कितने पैसे? ओ आपसे कैसे पैसे जनाब, आप तो हमारे मेहमान हैं। मेहमान? क्या बारात में नहीं आए? बारात किसका ब्याह हो रहा है? जैनब का, कुछ दिन हुए हिंदुस्तान से आई है। चल गुड्डी, अनर्थ हो रहा है। दाजी साहब निकाह पढ़ाइए। हाँ जी चलिए चलिए। जी जनाब। कादी साहब ये ब्याह नहीं हो सकता। आपको रब रसूल के नाम सरदार जी मोहम्मद साहब के मेरे सरदार जी आ गए। उसका ब्याह मेरे साथ हो चुका है। ज़ैनब इस बच्ची की माँ है। इस काफिर की इतनी जुर्रत कि हमारे घर में ही आकर कुफर तोड़ रहा है। आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इसकी साथ साथ पुश्तें भी याद रखेंगी
चल यहाँ से, भाई मेरी बात ना से, चल यहाँ से, चल। कल से पकड़ो मुझे, कल से मैं गुनाह मत करो। साहब, इसे मार मार कर तालाब पे फेंक दो और कोई जाकर पुलिस को इत्तला करो। शुरू कीजिए काजी साहब। बेटी ज़ैनब, तेरे वालिद ने मुझे तेरा वकील करार किया है कि मैं तेरा निकाह तेरे चाचा अली बख्श के लड़के नुमान बख्श साकिम बरकी के साथ बिल एवज 156 रुपए 6 आने और 6 पाई सिक्का राजुल वक्त करार किया है। तुम्हें यह निकाह कबूल है? तुम्हें यह निकाह कबूल है? तुम्हें यह निकाह कबूल है? हाँ कबूल है। वो देख गुड्डी, जालिम मेरी ज़ैनब को जबरदस्ती मुझसे छीन कर ले जा रहे। मुझसे तो चला भी नहीं जाता, मैं तुझे तेरी माँ के पास कैसे लेके जाऊं? फिर तुम्हारी चीखें सुनकर तुम्हारी माँ लौटती है तो जोर जोर से रो गुड्डी, जोर जोर से रो, जोर जोर से रो। हाँ पकड़ो इसे। ये क्या है? संभालो, उठो, चलो मजनू की औलाद। चल भूटा सिंह, तुम पे इल्जाम है कि तुम बिना इजाजत पाकिस्तान में दाखिल हुए। हाकिम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के झगड़े में मेरा घर बांटा गया। ये मासूम बच्ची हिंदुस्तान के और इसकी मां पाकिस्तान के हिस्से आई जनाब। मैं नामुराद इधर का रहा ना उधर का, मेरे घर के टुकड़े टुकड़े हो गए जनाब। हमारे पर रहम करो। खुल के कह, क्या बीती है तुझ पे? जनाब, मेरी बीवी यानी इस बच्ची की मां जबरदस्ती हिंदुस्तान से बरामद की गई और उसका दूसरा ब्याह भी रचा दिया गया। बस उसी की तलाश में आया हूं जनाब। तू साबित कर सकता है कि वो तेरी मनकुहा है? मेरा सबूत ज़ैनब आप है जज साहब। ब्याह उसकी मर्जी से हुआ था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं हुई। जो तू कह रहा है वही बात ज़ैनब अदालत के सामने कहेगी? जी जनाब, क्यों नहीं कहेगी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नए मुहैदे की रूह से ऐसी औरतें बरामद नहीं की जा सकती जो अपनी खुशी से रह रही हूं। अगर ज़ैनब अदालत के सामने तेरे हक में बयान देती है तो वो तुझे वापस मिल जाएगी। जी, अगली पेशी में ज़ैनब को अदालत के सामने पेश किया जाए और तब तक बूटा सिंह को हिरासत में रखा जाए। आज तक हमारे खानदान में किसी मर्द ने भी कोर्ट कचहरी का मुंह नहीं देखा, अब तू अदालत में पेश होगी। शंकर बेहया। बेटी पर क्यों बिगड़ते हो, इसमें इसका क्या कसूर है? कसूरवार तो तू है बदसास्त, ना इसे जन्म दी थी ना ये दिन देखना पड़ता। तेरा बूटा सिंह से ब्याह हुआ था? हाँ हुआ था। तेरी मर्जी से? हाँ। क्या, शर्म कर बेहया, शर्म कर। और तू उसके पास वापस जाना चाहती है? हाँ, मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ ये दूसरा ब्याह अल्लाह और कानून की नजर में जुर्म है, गुनाह है। तो तू यहाँ आई क्यों थी? हमारे मुंह पर कालिख मलने, हमारे सिर खाक डालने आई थी, तू क्यों आई थी? मैं आई नहीं, जबरदस्ती लाई गई हूँ। तो तेरा कचहरी में यही बयान होगा? हाँ, मैं ये भी कहूंगी कि आपने मुझे कैद कर रखा है। तो मेरी बात भी कान खोल के सुन ले, इससे पहले कि तू हमारी इज्जत नीलाम करे, 5 लाशें उठेंगी, 5, उस काफिर बूटा सिंह की, तेरी माँ की, तेरी, मेरी और उस काफिर की बेटी की। जो तूने काफिर बूटा सिंह को पहचानने की गलती भी की तो
उसकी लाश तुझे अदालत में तड़पती हुई नजर आएगी, ये सुन ले ध्यान से, समझ गई? चलो जी। ज़ैनब बेगम हाजिर हो। ज़ैनब, इस आदमी का कहना है कि हिंदुस्तान में तेरा इसके साथ ब्याह हुआ था। क्या यह सच है कि तेरे साथ इसका ब्याह हुआ था? तू इस आदमी को पहचानती है? नहीं। ज़ैनब, तेरे पर किसी किस्म का दबाव तो नहीं? ज़ैनब, तू मेरे वजूद से भी इनकार कर रही है, मुझे पहचानती भी नहीं। इसका भी कोई कारण होगा, पर इस गुड्डी को तो पहचानती है कि नहीं। ये तो तुम्हारे शरीर का एक हिस्सा है, कोख चाहिए तेरी। मैं तेरा कसूरवार हूं ज़ैनब, पर ये मासूम तो बेकसूर है ना, इसको ना ठुकरा ज़ैनब, बिन मां के बच्ची किधर जाएगी? ज़ैनब, हमें छोड़कर मत जा ज़ैनब, ज़ैनब। बूटा सिंह, मुझे तेरे साथ पूरी हमदर्दी, पर तुझे वापस हिंदुस्तान अपने घर जाना ही पड़ेगा, कल ही। घर, घर कहाँ रह गए आप? कौन से घर जाऊं? हम तेरे शहर को सलाम कर चले हैं, हम तेरे शहर को सलाम कर चले हैं। आशिकों की आशिकी के नाम कर चले हैं, हम तेरे शहर को, हम तेरे शहर को सलाम कर चले हैं, हम तेरे शहर को। हिजर के धो लेना, रोने के बहाने दाग हिजर के धो लेना। कम है क्या तुमको,
कम है क्या तुमको बदनाम कर चले गए आशिकों की आशिकी के नाम कर चले गए हम तेरे शहर को सलाम कर चले गए हम तेरे शहर को सुख मेरे रखना संभाल के सारे दुख सुख मेरे रखना संभाल के रब ने मिलाया कभी पूछेंगे बिठाल के रब ने मिलाया कभी पूछेंगे बिठाल के मीठी मीठी पीड़ का पैगाम कर चले आशिकों की आशिकी के नाम कर चले हैं हम तेरे शहर को सलाम कर चले हैं हम तेरे शहर को आके खुदकुशी कर ली है। हाँ भाई सुना है कोई हिंदुस्तान जा रहा था खुदकुशी कर ली पर खुदा की कुदरत देखिए कि बच्ची बच गई है। हाँ वो खुदावंद करीम बड़ा रहीम है जिसको रखे और जिसको मारे इंसान कहाँ से आया और कहाँ उसकी लाश पड़ी है। हाँ यार अरे ये तो कमाल है कि बच्ची का देखिए हाँ खुदा का करीम अरे ये तो बूटा सिंह है मैंने इसे कल अदालत में देखा था वहां इसकी बीवी ने इसको पहचानने से इनकार कर दिया और ये मासूम नन्ही बच्ची तो इसकी बेटी है तलाशी लो शायद कोई चिट्ठी छोड़ गया हो ये चिट्ठी है जैनब के नाम जैनब कौन जैनब इसकी बीवी
विलेज एंड पोस्ट ऑफिस बरखी। आप ऊंचा पढ़िए ताकि सारे सुन सकें। विलेज एंड पोस्ट ऑफिस बरखी। प्यारी जैनब, मुझे अंदाजा है कि तूने अदालत में झूठा बयान क्यों दिया, पर मुझे पता, मैं ना दीन का रहा ना धर्म का। मैं ना हिंदुस्तान में रह सकता हूं ना पाकिस्तान में। मैं कहां जाऊं? मेरा संसार तू है और तू मुझे मिल नहीं सकती, और मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। मैं इस दुनिया से जा रहा हूं और गुड्डी को भी अपने साथ लेकर जा रहा हूं, क्योंकि मेरे बाद इस दुनिया में इसका कोई नहीं है, तू भी नहीं। मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे तेरे गांव में दफनाया जाए। क्या पता कभी तेरे मन में दया आ जाए और तू मेरी कब्र पर एक फूल रखने के लिए आ जाए। तेरा बूटा सिंह। वाह वाह, आशिक हो तो बूटा सिंह जैसा। इसकी बेवफा माशूक ने भरी अदालत में इसे दलील किया। पर इसका जिगर देखो, मरने के बाद भी इसके दिल से उसके मिलन की आस नहीं गई। हम लाहौर के शहरी कसम खाते हैं कि बूटा सिंह की आखिरी ख्वाहिश को हम पूरा करेंगे। चलो बूटा सिंह को हम बरकी लेके चले। चलो शहीद मोहब्बत बूटा सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीद मोहब्बत बूटा सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। सरदार जी, दरवाजा बंद कर दो, लड़की पागल हो गई है। संभालो इसे। शहीद मोहम्मद बूटा सिंह शहीद मोहम्मद बूटा सिंह शहीद मोहम्मद बूटा सिंह शहीद मोहम्मद बूटा सिंह। वापस ले जाओ इस जनाजे को, यहां किसी काफिर को नहीं दफनाया जाएगा। ओए, बूटा सिंह काफिर नहीं था, वो तो रब का बंदा था। उसका दीन ईमान धर्म मजहब सिर्फ मोहब्बत था, सिर्फ मोहब्बत। और उसकी आखिरी ख्वाहिश को पूरा करना हमारा सबका ईमान है, फर्ज है। हम खून की नदियां बहा देंगे पर इस लाश को यहां नहीं दफनाने देंगे। यो भाइयों, ओए कान खोल के सुन लो, हम भी अपने सर पे कफन बांध के आए हैं। ओए चलो आगे बढ़ो, चलो। फसाद करने के जुर्म में मैं तुम सबको गिरफ्तार कर सकता हूं। मेरी बात मानो, लाश को यहां दफनाने से लाश की बेहुरमती हो सकती है। जिस गांव के लोगों ने जिंदा बूटा सिंह के जिस्म पर लाठियां बरसाई, वो उसकी लाश के साथ क्या सलूक करेंगे? वो उसकी लाश को चील, कौवों और कुत्तों के हवाले कर देंगे। मेरी बात मानो, इसे लाहौर ले जाओ और वहां पूरी शान के साथ इसकी आखिरी रस्म और रिवाजों को सर अंजाम दो। इंस्पेक्टर साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमसे वाकई बहुत बड़ी गलती हो रही थी। हमें लाश को लाहौर में ही दफनाना चाहिए, आप ठीक कह रहे हैं। भाई साथियों, इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें लाहौर ही चलना चाहिए। चलो चलो चलो। शहीद मोहम्मद बूटा सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। 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 बूटा सिंह की यादगार को कायम रखने के लिए लाहौरियों ने जी भर के चंदा दिया और एक ट्रस्ट बनाया गया, जो इस कब्र की देखरेख और सालाना उर्स का बंदोबस्त करता है। उसी ट्रस्ट ने बूटा सिंह की बेटी की तालीम और उसकी देखरेख की पूरी जिम्मेदारी भी ली। अब्बा देख, आज मैं अपने साथ तेरा दामाद लेके आई हूं। हमें आशीर्वाद दे कि ये भी मुझे उसी तरह प्यार करे जैसे तूने अम्मी को किया। मेरा मालिक हमें सजदा करने की तौफीक बख्श। समझ सके ना, समझ सके ना।
समझ सके ना लोग जाने इश्क का रुतबा इश्क ही जाने इश्क का रुतबा इश्क ही जाने इश्क ने अपनी मनाली इश्क ने दिलवाल जल गए शौक से जब आग लगा दी इश्क ने जोगी बना दे इश्क इश्क रोगी बना दे इश्क इश्क सूली चढ़ाए इश्क इश्क जीना सिखा दे इश्क इश्क जिसको दिया दिल जागी उसी को दो जल के कहे परवाने इश्क का रुतबा इश्क ही जाने इश्क का रुतबा इश्क ही जाने